इंदौर से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां एक डॉक्टर ने मुर्गे की बांग से परेशान होकर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। डॉक्टर आलोक मोदी ने थाने पर शिकायत दर्ज कराई कि उनके घर के पास में एक महिला डॉग और मुर्गे का पालन करती है और सुबह सुबह मुर्गे की आवाज की वजह से उनकी नींद खराब होती है। वही डॉक्टर की शिकायत को पुलिस ने संज्ञान में लेते हुए मुर्गे की मालकिन को समझाइश दी है। क्या मुर्गे की आवाज से किसी की नींद खराब हो सकती है? एक जमाना था जब सुबह मुर्गे की बांग से लोग जागते थे, लेकिन अब वही मुर्गे की बांग एक डॉक्टर की परेशानी की वजह बन गई है, जिसकी शिकायत डॉक्टर ने थाने में भी की है। दरअसल पलासिया थाना क्षेत्र के ग्रेटर कैलाश हॉस्पिटल के पास रहने वाले डॉक्टर आलोक मोदी ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। उनके घर के पास एक महिला द्वारा डॉग और मुर्गे का पालन किया जाता है। हर दिन सुबह 5 बजे मुर्गा बांग देता है, जिसके कारण डॉक्टर मोदी की नींद में खलल उत्पन्न हो रहा है, जिससे वे परेशान हैं। इसको लेकर डॉक्टर मोदी ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। डॉक्टर आलोक मोदी का कहना है कि उनके घर के पास एक महिला ने कई सारी मुर्गियां पाल रखी हैं और रोजाना सुबह सुबह मुर्गे चिल्लाने लगते हैं। डॉक्टर मोदी ने बताया कि काम की वजह से वह देर रात घर लौटते हैं, कई बार ऑपरेशन के चलते लेट हो जाते हैं और जब उनके सोने का समय आता है तभी मुर्गे की बांग से उनकी नींद टूट जाती है। वहीं थाने पर शिकायत आने के बाद पुलिस ने मामले में संज्ञान लिया है। इस मामले में पुलिस का कहना है कि वह पहले दोनों पक्षों से बात करने की कोशिश करेंगे और अगर मामला नहीं सुलझता है तो कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। थाना पलासिया में डॉक्टर आलोक मोदी के द्वारा एक लिखित में शिकायत की गई है कि इनके पड़ोस में मुर्गा वगैरह पाला जा रहा है और अन्य जानवर भी पाले जा रहे हैं, जिसके कारण इनको काफ़ी परेशानी होती है। जब ये रात में आते हैं या अर्ली मॉर्निंग सोते हैं उसी समय जो है मुर्गा बांग देता है और ये आवाज़ के कारण चिल्लाचोट के कारण उनको नींद सही से नहीं आती है। आवेदन प्राप्त कर लिया गया है, इसमें पुलिस की तरफ से पहले तो यह है कि समझाइश दी जाएगी कि इस प्रकार से पब्लिक न्यूसेंस ना किया जाए जिससे कि अन्य किसी को परेशानी होती है, और यदि कोई नहीं मानते हैं तब ऐसी स्थिति में पब्लिक न्यूसेंस की धारा 133 के तहत जो है इतलासा तैयार करके पेश किया जाए। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।